राज्य में भी नहीं रुक रहा महिलाओं का उत्पीड़न। सूबे में मुखिया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर निर्देश जारी किए हैं, इसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला थाना मुंडा पांडे के सिरसखेड़ा ग्राम का सामने आया है, जहां एक महिला अपने पति के उत्पीड़न के कारण अपने पिता के घर रहने को मजबूर है। पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम सिरसखेड़ा का है, जहाँ दिनेश निवासी शिवपुरी ने अपनी पुत्री की शादी ग्राम सिरसखेड़ा निवासी राकेश पुत्र तिवारी से 3 वर्ष पूर्व धर्म अनुसार की थी। शादी के बाद उसका एक पुत्र भी है जो वर्तमान में 2 वर्ष का है। वह महिला गर्भ से भी है, लेकिन तभी से वह दहेज में मोटरसाइकिल के लिए अपनी पत्नी का उत्पीड़न कर। दिनेश जी, क्या घटना, क्या मामला है आपकी बेटी की? मामला यह है कि मैंने 3 साल पहले लड़की की शादी सरसखेड़े में करी, और सरसखेड़े में उसने जो है मना कर दी कि मैं इस लड़की को नहीं रखूँ। अच्छा, क्या इल्ज़ाम लगा था आपने लड़की? इल्ज़ाम ये लगा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तू रंडी चिनार है, ये कहता है। कई बार मुझसे भी ये बात कही, मैं नहीं रखूँगा, मैंने बतेरा इंतज़ार करा उसका कि ले जा भाई, ले जा वो आते ही कहता है मैं नहीं ले जा। अच्छा, क्या नाम है? राकेश। किस गांव का निवासी? सरसखेड़ा। आप कहाँ से आए हो? सिपरी से। अच्छा, संदीप सिपरी। अच्छा, आज तो हम मुरादाबाद आए हो, कहाँ आए हो? आज मुरादाबाद आए हैं हम कप्तान की। अच्छा, यहाँ पे कुछ तहरीर या कुछ दोगे यहाँ पे जगह? हाँ, तहरीर जानी है, हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए लड़की के लिए। जी राजी जी, क्या क्या घटना हुई आपके साथ? ये है कि 1 साल तक उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, 1 साल के बाद मुझे मुझे कहा उसके बाद में तो 6 महीने की सफाई करा दी उसमें ख़राब होगा। अब उसके बाद मुझे कुछ है तो इसे हराम को बताता है, तो हराम को तो नहीं रहा है, धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया और मुझे रखने नहीं चाहता मुरादाबाद। और ये मेरे बाप गरीब हैं, सामान मांगता, दही मांगता, गाड़ी मांगता है मेरे बाप से, और धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। तो बाप तुझे रखना नहीं चाहता, मैं किसी औरत करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, आप किस गांव के निवासी हो? हम सोपरी के। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? सिसखेड़ा में। क्या वर्ष पहले? 3 महीने हो गए, वो 3 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 2, एक गर्भ में है, एक ये है। क्या कहते हैं तुम्हारे ससुराली? ससुराली ये कहते हैं दहेज मांगते हैं मेरे घर वालों से, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं छोटे सच्चे रंजीत छिनार सब बखानते हैं मुझे, और ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा के और धंधे करवाते हैं मुझसे कि धंधे करेगी तू, और मैं धंधे के लिए मना करती हूँ तो मुझे मारता और तोड़ता, घर से निकालता, धक्के मार के निकाल दिया उसने मुझे घर से। और 2 महीने से अपने घर रह रही हूँ यहाँ पर, और बताओ मैं रहना चाहती हूँ तो मुझे वो रखना नहीं चाहता, मुझसे दूर भागता है, मुरादाबाद में रहता है वो मुझसे दूर भाग के। अच्छा, आज तो आप मुरादाबाद आए हो, क्यों आए हो, कहाँ आए हो? हम थाने आए मुरादाबाद, कप्तान के पास में। आप अपनी शिकायत दोगे आज? हाँ।